आप मार्केट में जाते हो, बिग बाज़ार वगैरह में, वहाँ से कॉफ़ी लेते हो नॉर्मली, आप तो अपने घर के अंदर कॉफ़ी बनाते हो, बट आपके कप तक वो कॉफ़ी को आने के लिए कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं, वो किस तरह से करते, वो ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, और अगर नहीं आया तो ये ब्लॉग ज़रूर देखिए। पहुंच गए हैं हम, बट ये जो रोड की हालत देख के लगता नहीं कि आसपास कैसा कॉफी म्यूजियम होगा, क्या होगा पता नहीं है यार। अभी तक तो फिर कुछ 2 मीटर्स पे है ये कॉफी म्यूजियम। हाँ अच्छा, दिख गया आ गया, दिस इज द कॉफी म्यूजियम। ओके, चिकमंगलूर का ये कॉफी म्यूजियम है, कॉफी म्यूजियम है ना ये, या ओके, ओ इट्स ग्रेट। मैं गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी द कॉफ़ी म्यूजियम एंड रुपेश वहाँ पे। ये है कॉफ़ी म्यूजियम का आउटर एरिया, सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ दिस कॉफ़ी म्यूजियम। यहाँ से हमें एंटर होना है पर्सन, एंड यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया का फ्लैग लगता होगा। देखते हैं किस तरह से ये होगा। अभी 20 रुपीज़। तो आप जैसे ही एंटर होगे तो राइट साइड में आपको पूरा एक बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे कॉफ़ी की हिस्ट्री है, एंड बस लेफ्ट साइड के अंदर उसके बाद में यहाँ पे भी एक बोर्ड है, एंड यहाँ पे अलग अलग लाइक बहुत सारे सैम्पल्स रखे गए। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये मैग्नीफायर ग्लास है, और ये कॉफ़ी लाइक ये जो कीड़े है, ये दिस इज़ द एनिमी ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स, तो ये कॉफ़ी प्लांट्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ लाइक इसके अंदर क्या क्या रहते हैं। ये सब कॉफ़ी के लिए बग जो हानिकारक है। आपका ये कीड़ा देख के हो गया होगा, उसके बाद यहाँ पे पूरा दिया है कि कॉफ़ी की क्या क्या डिजीज होती है जो कॉफ़ी प्लांट को लग सकती है, जिसकी वजह से कॉफ़ी प्लांट तबाह हो सकते हैं। जैसे कि एक जो कीड़ा मैंने आपको बताया था, वो उसके स्टीम को इन्फेक्टेड कर देता है, तो कुछ इन्फेक्टेड स्टीम इस तरह से लगती है। ये देखिए, ये जो कीड़ा है ना इसको बोलते हैं स्ट्रीप बॉरोवर। तो ये पूरी डिजीज़ को ये देखिए आपको पूरी इन्फेक्टेड कर दिया, जिसकी वजह से कॉफ़ी प्लांट बर्बाद हो जाते हैं। तो इतना ध्यान रखा गया है, आपके घर में जो कॉफ़ी आती है इतनी प्रोटेक्टेड हो, इतनी लाइक सिक्योरिटी के साथ आती है कि यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो चलती है जो कि अराउंड 5 से 6 मिनट की होती है, जहाँ पे आपको एक पूरा डिटेल बताया जाता है कि किस तरह से कॉफ़ी इंडिया में आई गई और बनी गई। तो मैं ये एक बार देख लेता हूँ कि एक नए रूम के अंदर हम एंटर किए। यहाँ पे सब कॉफ़ी की मशीन्स है, एंड अलग अलग कॉफ़ी की वैराइटीज़ है, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो चलो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। कॉफ़ी ग्राइंडर बहुत हार्ड है। यहाँ पे आपको कॉफ़ी डालनी होती है, ये आपको बंद करना होता है, ये आपको घुमाना होता है, इसके बाद नीचे आपका जो है कॉफ़ी आती है। पूरी दुनिया में जो अलग अलग कॉफ़ी आती है उसके सारे सैंपल्स यहाँ पे रखे गए हैं, नेस्प्रेसो एंड ऑल। और ये सारे रोस्टर है जहाँ पे कॉफ़ी को रोस्ट किया जाता है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। दिस 30 ml कप फॉर एस्प्रेसो। बहुत ही अच्छा कोट मैंने यहाँ पे देखा है अभी। वंस यू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, इट हार्ड टू गो बैक स्लीप, इट्स 100% ट्रू। 100%। तो हमने कवर कर लिया है पूरा के पूरा कॉफ़ी म्यूजियम। ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, बट अगर आप कॉफ़ी लवर हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कॉफ़ी के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें मुझे पता चली है, कॉफ़ी की हार्वेस्टिंग किस तरह से होती है, उसका प्लांट का किस तरह से केयर रखना होता है, और कैसे इतना। अभी कॉफ़ी शॉप पे हम लोग आए, यहाँ पे 3 कॉफ़ी शॉप दिख रही है, एर्गो कॉफ़ी ये एंड ये पता नहीं, लोग नाम थोड़े आ रहे थे। तो ये कॉफ़ी शॉप में जाके पहले पूछते कि कॉफ़ी का क्या रेट है, एंड फिर मैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं कॉफ़ी जाके पीऊँगा, बहुत तलब लगी है कॉफ़ी की। सो हमें ये वाली कॉफ़ी ले ली है, सर बना के दे रहे रुपेश, तेरी कॉफ़ी आ गई। एंड बाजू में भी एक शॉप है, तो वहाँ पे ये यहाँ पे तो सिर्फ कॉफ़ी मिलती है, एंड
बाजू में भी एक शॉप है जहाँ पे कॉफ़ी पाउडर मिलते हैं। कोटाल्स कॉफीज़ है, ये भी लाइक बहुत पुराना है, ये एक्चुअली 1949 के अंदर बना था। मुझे पता है कि आप पक गए होंगे कॉफ़ी 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 पूरे वीडियो में सुनते हुए, लेकिन मैं पीते हुए भी दिख रहा हूँ। मैंने कोटाल्स कॉफ़ी की ये कॉफ़ी ट्राई की है एंड अभी मैं उनके ये शोरूम के अंदर आया हूँ जहाँ पे उन्होंने वैराइटी ऑफ कॉफ़ी रखी हुई है, कॉफ़ी बीन्स रखे हुए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर सारे पॉट्स है, दिस इज़ द बीन्स। यहाँ पे लाइक कॉफ़ी लवर के लिए तो जन्नत है, आपको जो वैरायटी की कॉफ़ी चाहिए वो इजीली मिल जाएगी, मुंबई में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कॉफ़ी वॉज सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, पीने के बाद टोटल रिफ्रेश हो गया, एकदम चुप्पेश्वरम थी। तो अभी रात के 6 बजे लंच कर रहा हूँ मैं, लाइक शाम के 6 बजे। ये केरला पराठा वोमैन एंड मटन फ्राई मटन एंड ये सूरबा। तो चिकमंगलूर से आके हम सीधे मुंबई। मैं अभी एडिट कर रहा था जो वो ब्लॉग आप अभी देख रहे हो एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने वो ब्लॉग का एंड तो किया ही नहीं, तो अभी एंड करने के लिए मैं ये फ्रेश शूट कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ये ब्लॉग आपको किससे कैसा लगा है, ये ब्लॉग के अंदर क्या कमी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो मैं आने वाले ब्लॉग के अंदर कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतर आपको ब्लॉग बना के दे सकूँ। एंड प्लीज़ ये चैनल को सपोर्ट करो गाइस, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। आप जितना अच्छा सपोर्ट करोगे मैं उतने अच्छे ब्लॉग बना पाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।